मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ऐसे ये तीसरा छोटा सा निवेदन, हमारे घरों में साबुन आता है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैने, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह वगैरह, ये सब साबुन क्यों खरीदते हैं? एक बार मैंने एक भाई से पूछा कि लक्स से क्यों नहाते हो, कहने लगा माधुरी दीक्षित कहती है। एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो, कि हेमा मालिनी कहती। तो कभी माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। बेवकूफी मत करिए। और मैं शायद आपको मालूम नहीं है कि माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्ष्य से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो आप पूछेंगे मुझको कैसे मालूम? मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले, बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में, और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हीरो हीरोइन ज्यादा रहते हैं। व्याख्यान कैसे हुआ? एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र, उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने। मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया कि मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। तो कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको? मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर करिए, मैं आऊंगा। क्या आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है, आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा, एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हीरो हीरोइन है उनको सबको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ, उनका एक बंगला है लोनावाला में, पूना और बंबई के बीच में, वहां उन्होंने व्याख्यान रखा। मैं गया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, कुछ 25-30 लोग आए थे। उनके बीच में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे सवाल पूछे। जब खत्म हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं एक सवाल पूछूंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। तो मेरी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती। क्यों? उसका कारण है जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। और आप ये चाहें तो प्रयोग करिए, साबुन से नहाइए, नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचे, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। और आजकल ठंडी का दिन है, साबुन से नहाइए, 10 मिनट बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाए। क्यों? उसमें जो कास्टिक सोडा है वो आपकी शरीर की त्वचा से चिपक जाता है, चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं। इसलिए साबुन सबसे रद्दी चीज है। तब आप पूछेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी, मिलती है अभी भी इस देश में, खरीद लाइए बाजार से। क्या करें उसका? मुल्तानी मिट्टी को दही में डाल दीजिए रात को, या दही की ताक में डाल दीजिए, सवेरे तक एकदम मुलायम हो जाएगी। उसको पेस्ट बनाइए, शरीर पर ऐसे ही लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और नहा लीजिए गर्म पानी से, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। दूसरा तरीका, चने का आटा माने बेसन, उसमें मलाई मिलाइए, पेस्ट बनाइए, उसको रगड़िए और उससे नहाइए। तीसरा तरीका, आप जो है अपने घर में ले आइए मसूर की दाल का आटा, मसूर की दाल होती है उसको पिसवाइए, उसका आटा बनता, उसमें शहद मिलाइए, मध मिलाइए, और उसका पेस्ट बना के उससे शरीर को लगाइए और गर्म पानी से नहाइए, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। चौथा तरीका, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, अरीठा का पाउडर लीजिए, शिकाकाई पाउडर लीजिए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाइए, डिब्बे में बंद करके रखिए, एक साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। नहाने के 20 मिनट पहले एक चम्मच पाउडर एक गिलास पानी में डाल दीजिए, और उस पानी से पहले शरीर के बाल धो लीजिए, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। और फिर उसी पानी से शरीर से नहा लीजिए, आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं सबसे अच्छा,
आपके यहां अकोला में गाय के गोबर से एक साबुन बनता, और गाय के गोबर से जो साबुन बनता है, पिछली बार मैं आया था यहां से खरीद के ले गया था, और मैंने मेरे सब दोस्तों को बांटा, मैं भी नहाता हूं। मैं आपको सच बताऊं कि उस साबुन से नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर में से खुशबू निकलती। फिर एक दिन मैंने पुराने कुछ ग्रंथ खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जब यज्ञ किया जाता था तो किसी भी राजा को यज्ञ करने से पहले गोबर से स्नान करना जरूरी होता था। भगवान राम ने भी यही किया था। जब भगवान राम ने यज्ञ किया तो गोबर से स्नान किया था, तब यज्ञ करने के लिए बैठ पाए थे। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है, और गोबर से स्नान करना बहुत ऊंची बात है। आपके घर में अगर देसी गाय है तो उसके गोबर से आप सीधे स्नान कर सकते हैं, नहीं है तो आपके अकोला में बनता है इतना अच्छा साबुन, और अगर आप वो खरीदेंगे तो पैसा कहां जाएगा, अकोला का पैसा यही रहने वाला। और वो साबुन यहां के किसी गौशाला में बनता तो आपका दिया गया पैसा जाएगा कहां, गौशाला में जाने वाला। उस गौशाला को चलाने वाले कुछ भाइयों को रोजगार मिलेगा, और मेरी तो कल्पना है कि ऐसी गौशालाएं गांव गांव गली गली घर घर में खुल जाए, और उनमें से ये गोबर निकलेगा, साबुन भी बनेगा, दूध बनेगा, घी निकलेगा, क्या क्या नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। तो आप ये फालतू के साबुन खरीदना बंद करिए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, अरीठा शीकाकाई मुल्तानी मिट्टी के पाउडर से नहाइए, या फिर चने के आटे से नहाइए, या फिर आपके गांव में जो गोरस का गोबर से साबुन बनता है उससे नहाइए। हिंदुस्तान का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं, ये मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। और ऐसे ही एक निवेदन और है कि कभी भी अपने घर में फेयर एंड लवली मत लाइए, क्योंकि ये फेयर एंड लवली के बारे में कहते हैं गोरेपन की क्रीम। और आप मुझे बताइए कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। आप एक नहीं 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले। भगवान ने जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं, इस फालतू के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ये सुंदर बनने का टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। और आप एक चीज और जान लीजिए, सुंदर लोगों को याद नहीं किया जाता, जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं उनको याद किया जाता। और भारत में तो शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता देखी जाती है। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, सबको जाना है, सबको बूढ़ा होना है। आज आप सुंदर हैं कल नहीं रहने वाले हैं, शरीर के चक्कर में फंस गए तो जीवन बेकार हो जाएगा। भारत का अध्यात्म यही कहता, इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अच्छे काम करिए, आप खुद ब खुद सुंदर होते चले जाएंगे। तो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, सुंदरता तो कर्म से आती है। इसलिए घर में ये कॉस्मेटिक्स लाना बंद करिए, हजारों करोड़ रुपया बचेगा।